आकर पहुंचाते हैं। और ये टेक्निक राजकुमार जी का है। और संदीप खाना तो चालू कर दिए हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं अगल बगल। बहुत गजब कोशिश है। कैसे राजकुमार जी आए हैं तो दिखाएंगे कि चैलेंज कैसे होता है। बहुत अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने छोला भटूरा रखा हुआ है, तो मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है छोला भटूरा खाने का चैलेंज होने चल रहा है। और यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोले भटूरे लगे हुए हैं। आज हमारा छोला भटूरा ईटिंग चैलेंज है और पांच भटूरे जो सबसे पहले खाएगा वो 500 रुपये की राशि पाएगा। तो देखते हैं कितने समय में 5 भटूरे खा करके कौन इनाम की राशि लेकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो छोला भटूरा रखा हुआ है, अगर जो सबसे पहले खाएगा वो 500 रुपये का नगद पुरस्कार पाएगा और जो नहीं खा पाएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे पहले चैलेंज ग्रुप में कौन आते हैं और कितने समय में 5 भटूरे को समाप्त कर पाते हैं। दो योद्धा यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, तो आइए हम परिचय कराते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? बीरू गहारपुर। बीरू गहारपुर, अनुज गहारपुर। अनुज गहारपुर मतलब गहारपुर की धरती से जो भी वीर आए हैं, बाप बेटे दोनों लोग साथ में। अच्छा, बाप पुत यहाँ पर आ चुके हैं और बाप पुत दोनों लोग चैलेंज को स्वीकार किए हैं। तो पवन जी टाइमर चालू कर लीजिए। बाप पुत के इस लड़ाई में देखिए बाप जीतते हैं कि बेटा बेटा जीतता है। लग रहा है आज बेटा भारी पड़ने वाला है बाप पर। और देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बाप भी भारी पड़ सकता है बेटे पर। बहुत बढ़िया। और ये बाप पुत की लड़ाई में भटूरा बेचारा गायब होता नजर आ रहा है। हाँ, लड़ाई में पिस रहा है तो भटूरा पिस रहा है। और इस भटूरे को देखिए कहाँ तक पहुँचाते हैं बीरू है। और अनुज मतलब ये गहरपुर की धरती से जितने भी चैलेंजर आते हैं बहुत ही नंबर वन का चैलेंज स्वीकार करते हैं। बहुत गजब। और जैसे हमको लग रहा है देख रहे हैं ये लोग 4-5 मिनट का टाइम देंगे। बहुत बढ़िया। पुत की लड़ाई में बेटा जो है लगभग आगे जा रहा है और दोनों ही चैलेंजर नहीं है। और दोनों चैलेंजर नहीं लेकिन चैलेंज की तरह जो है कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत गजब। और देखते हैं कितने मिनट में 5 भटूरे फिनिश कर पाते हैं लोग। और इस 5 भटूरे को फिनिश करने के लिए हमको लग रहा है कि 5 साल 2 साल लग ही जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, बाप पुत की जोड़ी है। और ये बाप पुत की जोड़ी साल नहीं लेके जाएंगे, लगभग ये मिनट लेके जाएंगे। 5 मिनट के अंदर दोनों लोग समाप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इसी साल खा लेंगे लोग। और इसी साल में 1 महीना बचा हुआ है। अभी दिसंबर चल रहा है ना। और देखिए अगली जोड़ी के रूप में हमारे चैलेंज को कौन स्वीकार करते हैं। हाँ, और 2023 से पहले ही खत्म कर लेंगे लोग चैलेंज को। और इस समय वीरू मुस्कुरा दिए इस बात पर। और देखते ही देखते टाइमर जो है 3 मिनट 40 सेकंड का सफर तय कर चुका है। और देखिए कहाँ तक जाते हैं ये बापूत की जोड़ी हमारे चैलेंज को लेकर। ये लोग की गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही है और अब नहीं लग रहा है कि और पता नहीं किसको देख रहे हैं। दिनेश को देख रहे हैं बार बार। और दिनेश कोई और आएगा सपोर्ट करेगा इनको निकालेगा इस चैलेंज से बाहर। और जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे चैलेंज में फंस गए हुए लोग। दिनेश की दुकान लगी हुई है तो अनुज बार बार दिनेश को देख रहे हैं कि कोई ट्रिक बताओ यार। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोग, कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये देखिए पहले अगर गायब हुए हैं तो बेटा गायब हो चुका है लेकिन लेकिन चैलेंज में आए, हौसला दिखाए, आराम से बैठ के 2 घंटा में खाए चाहे 2 दिन में खाए। तो ये लोग आए इस साल फिनिश नहीं कर पाए तो अगले साल आएंगे लोग चैलेंज को कंप्लीट करके इनाम की राशि ले जाएंगे। कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में अगली जोड़ी यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। तो आइए हम परिचय कराते हैं। भैया जी क्या नाम है? पप्पू गहरपुर। और रंजीत गहरपुर। रंजीत गहरपुर मतलब गहरपुर के जो चैलेंजर है आज पूरे गहरपुर छा चुका है हमारे। और पहली जोड़ी आई थी 5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो देखते हैं सेकंड जोड़ी कितने मिनट में समाप्त कर पाती है। शुरू हो जाइए आप लोग। तो शुरू हो जाइए। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहली जोड़ी आई है तो 5 मिनट के अंदर नहीं कम्प्लीट कर पाई है। और देखिए दूसरी जोड़ी कितने जल्दी खा लेंगे। और इन जोड़ियों में भी जो सबसे पहले खाएंगे वही इनाम के हकदार होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है।
और ये लोग हमको लग रहा है 3-4 मिनट में फिनिश कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और आज टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, जो सबसे पहले कम समय में खाएगा वही इनाम की राशि लेकर जाएगा। बहुत गजब, बहुत अच्छी कोशिश है। और यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक भटूरा पप्पू जी समाप्त कर लिए हैं। 5 भटूरा खाना है और 500 रुपए की राशि लेकर जाना है। 5 मिनट में नहीं, कोई समय नहीं है, जो सबसे पहले खाएगा वही इनाम पाएगा। यानी जोड़ी में लगा होता याद आ जाए, नहीं दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। यहाँ पर सलाह दी जा रही, पानी पी लीजिए। और ये लोग पीते रहिए, खाने के पीछे पानी को भूल गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। ऐसी नहीं है कि पानी न पिए, जिसकी जो इच्छा हो। 1 मिनट में 2 भटूरा समाप्त हो गया करीब पप्पू जी का, और देखते हैं 3 भटूरा कितने समय में समाप्त कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अभी अगले चैलेंजर के रूम में आने वाले हैं राजकुमार जी। देखिएगा राजकुमार जी कैसे स्पीड लगाते हैं और कौन सी पावर से खाते हैं। बहुत धाकर धाकर चैलेंजर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। एक घंटा में इन्हें लोग खा लेंगे। बहुत गजब, बहुत जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाहरपुर की धरती से पप्पू जी और रंजीत जी दोनों लोग आए हुए हैं। और देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। कितने जल्दी, कितने कम समय में टारगेट को पूरा करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लगभग लगभग टाइमिंग दोनों लोगों की बराबर चल रही है। लेकिन राजकुमार से गाड़ी इनकी हमको लग रहा है 100% पीछे है। राजकुमार जी आएंगे तो फुल स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। देखिए सबका खाने का अलग अलग तरीका है। बहुत बढ़िया, और हमारे दर्शकों को राजकुमार जी का इंतजार रहता है। और यहाँ पर देखिए बहुत भयंकर चैलेंज होने वाला है। और देखते ही देखते पप्पू जी 4 भटूरा खाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, और 5वां भी भटूरा उठाने वाले हैं। ए बहुत बढ़िया, टाइम की बात नहीं है, इनके दो जन्म टक्कर होता है। बहुत गजब। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रंजीत जी आए हैं, अभी भटूरा का मजा ले रहे हैं। अभी ये जोड़ी क्वालिफाई हो जाएगी लग रहा है, और हमको नहीं लगता है कि ये 4 मिनट तक जाएंगे। बहुत अच्छी, और पप्पू जी इस समय 5वां भटूरा उठाने वाले हैं, और 5वां भटूरा के लिए पप्पू जी जुट चुके हैं, और लास्ट भटूरा चल रहा है पप्पू जी के हाथ में। लेकिन रंजीत जी इस समय, रंजीत जी आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि पप्पू जी रंजीत जी से जीत गए हैं। रंजीत से नहीं बल्कि अगली जोड़ी जो आई थी उनसे भी आगे जा चुके हैं। हाँ तो मतलब क्वालिफाई होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते ही देखते 3 मिनट 10 सेकंड का सफर तय कर चुका है हमारा टाइमर। और इस और 3 मिनट 16 सेकंड में पप्पू जी फिनिश कर लिए हैं। तो देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं और कितने समय में फिनिश कर पाते हैं। लोग देख रहे हैं अगली जोड़ी के रूप में आ चुके हैं महानुभाव लोग। क्या नाम है आपका भैया? संदीप और राजकुमार, तो शुरू मतलब मंदीलाल के साथ संदीप जुटे हुए हैं। तो देखते हैं और ये पहुंचाते हैं। और ये टेक्निक राजकुमार जी का है, और संदीप खाना तो चालू कर दिए हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं अगल बगल। बहुत गजब कोशिश है। कैसे राजकुमार आए हैं तो दिखाएंगे कि चैलेंज कैसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। संदीप के तो एक ही बाइट है इनके गले में फंस गई, और सोच रहे कैसे खाएं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब कोशिश है। और आज जो संदीप जी भटूरा देख रहे हैं, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और 5 भटूरा संदीप को भी खाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और देखिए राजकुमार जी भटूरे खा रहे हैं और छोले पे वो नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। निकाल दीजिए, और ये पूरा लाइन लगा के भटूरा इनके गले में जा रहा है। और अभी सबसे आगे चल रहे हैं तो पप्पू जी चल रहे हैं। 3 मिनट 16 सेकंड में खाए हैं, तो देखते हैं राजकुमार जी कितने समय में फिनिश कर पाते हैं। और 100% आज लग रहा है कि राजकुमार जी ही इनाम की राशि फिर लेकर जाने वाले हैं। लेकर जाने वाले नहीं बल्कि चले गए हैं, समझ लीजिए। और संदीप आप देखिए मत, आप भी बना के स्पीड चलिए, और जैसे की तरह आप आइए। खाना है बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और संदीप जी हमको नहीं लग रहा है राजकुमार जी को पीछे कर पाएंगे। नहीं, संदीप भी जुटे हुए हैं कि हो सकता है कि पीछे कर जाए, लेकिन अब राजकुमार जी का पीछा करना इनके बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते राजकुमार 5 भटूरा ऐसे चट कर गए जैसे थोड़ा बहुत बचा हुआ है। बहुत गजब। और 1.5 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, और देखते हैं 5 भटूरे कितने मिनट में फिनिश कर पाते हैं। देख रहे हैं
कि पप्पू जी आए 3 मिनट 16 सेकंड में 5 भटूरा समाप्त किए हैं। और आपको लग रहा है 2 मिनट पूरा लगेगा, और यहाँ पर देखना है कि संदीप जी कितने सेकंड में 5 भटूरा समाप्त करते हैं और राजकुमार जी कितने सेकंड में 5 भटूरा समाप्त करते हैं। और राजकुमार जी के 2 मिनट तो होने वाले हैं, देखते हैं कि फिनिश हो जाए नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत संदीप भी पप्पू जी से कम समय में खा लेंगे तो वो भी सेकंड और हो पूरे 2 मिनट में बिल्कुल भटूरा समाप्त कर लिए। तो राजकुमार जी आए, हौसला दिखाए, राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं और 2 मिनट में बिल्कुल 5 भटूरे फिनिश कर लिए। और संदीप जी ऐसे लग रहा है जैसे प्लेट में तो वो संदीप थक गए हैं भटूरा तोड़ते तोड़ते, लेकिन एक टाइमर उठाइए, देखना है कि संदीप जी कितने सेकंड में पूरा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, संदीप जी आए हौसला दिखाए हैं तो संदीप जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं कितने समय में फिनिश कर पाएंगे। हमको लग रहा है 3 मिनट में फिनिश कर लेंगे। 3 मिनट 16 सेकंड में पप्पू फिनिश किए हैं तो संदीप को देखना है कि कितना समय लेते हैं। तो आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो राजकुमार जी आए, हौसला दिखाए, राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं और 2 मिनट में 5 भटूरे फिनिश कर लिए हैं। तो राजकुमार जी को इनाम की राशि तुरंत कैश देते हैं। इस छोला भटूरा चैलेंजिंग में हमारे राजकुमार जी जब भी आते हैं आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चैलेंज को पूरा कर देते हैं। तो पवन जी क्या कहेंगे? तो राजकुमार जी आए, हौसला दिखाए, राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो भैया जी पैसा पा गए पूरा? बहुत गजब। तो भटूरा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो हमारे चैलेंजरों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सुपर। हाँ, तो राजकुमार जी एक्चुअली और पहले खा लेते क्योंकि भटूरा चैलेंज में थोड़ा सा समय लग के ठंडा हो गया था, इस वजह से ज़्यादा समय लगा, नहीं तो राजकुमार जी के लिए 5 भटूरा 1 मिनट 1.25 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो राजकुमार जब भी आते हैं चैलेंज में पूरा हौसला दिखाते हैं। तो राजकुमार जी तो जैसे कि राजकुमार जी इस समय पैसा लेके तैनात है तो एक बार ताली तो बजा दीजिए यार इनके लिए। और यहाँ पर ताली बज रही है राजकुमार जी के लिए। तो पवन जी, तो राजकुमार जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। तो राजकुमार जब भी आते हैं पूरे हौसले के साथ आते हैं और अपना 100% देते हैं। तो इनाम की राशि राजकुमार जी को दे दिए हैं और राजकुमार जी आप इंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ इस चैलेंज को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।